ऑलराइट, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी की तरफ से इंडिया में लॉन्च हो रहे नए धमाकेदार स्मार्टफोन के बारे में। जी हां दोस्तों, रियलमी की तरफ से रियलमी 13 प्रो सीरीज बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च की जाएगी। फ्लिपकार्ट पर इसका लैंडिंग पेज कब से आ चुका है, लेकिन रियलमी की तरफ से अभी तक ऑफिशियल लॉन्च डेट रिवील नहीं करी गई है। लेकिन रियलमी की तरफ से ऑफिशियली इन फोन्स के डिजाइन रिवील कर दिए गए हैं एंड स्पेसिफिकेशंस तो पहले ही लीक हो चुके हैं भाई। तो आज की वीडियो में बात करते हैं रियलमी 13 प्रो प्लस से जुड़ी सारी चीजों के बारे में। फर्स्ट लुक आपको बता देता हूं, साथ ही साथ क्या क्या माल मसाला मिलने वाला है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या फीचर्स है, प्राइस पॉइंट क्या होने वाला है एंड ओवरऑल ये जो स्मार्टफोन है कैसा रहने वाला है, सारी चीज डिस्कस करते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड गाइस अगर ऐसे ही कॉन्टेंट में आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बात करते हैं फोन के बारे में, स्टार्ट करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। देखो भाई ये जो स्मार्टफोन है तीन कलर्स में आपको देखने को मिलेगा, गोल्ड कलर में, पर्पल कलर में एंड ग्रीन कलर में। गोल्ड एंड पर्पल कलर जो रहेगा वहां पर आपको ग्लास बिल्ड देखने के लिए मिलेगा, ये काफी अच्छी बात है। ग्लास फ्रंट रहेगा, ग्लास बैक रहेगा, प्लास्टिक का आपको फ्रेम मिलेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगा। सो यस, ग्लास बिल्ड वाले में बिल्ड क्वालिटी आपको सॉलिड मिलने वाली है। ग्रीन कलर जो रहेगा वहां पर आपको वीगन लेदर का बैक मिलेगा, प्लास्टिक का फ्रेम रहेगा, ग्लास फ्रंट मिलेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ में। बिल्ड क्वालिटी दोनों वेरियंट्स में आपको सॉलिड मिलने वाली है। अच्छी बात यह है कि दोनों वेरियंट्स में आपको IP65 की रेटिंग मिलेगी तो डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, ये काफी अच्छी बात है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बढ़िया रहने वाला है, फोन जो है स्लिम रहेगा, लाइटवेट रहेगा एंड यस प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ में आएगा। डिजाइन की अगर बात करें आप देख सकते हैं भाई साहब काफी गुड लुकिंग स्मार्टफोन है। बैक पैनल में आपको सेंटर में सर्कुलर कैमरा कटआउट दिया गया है जो कि वॉच डायल के शेप का है, उसी के अंदर आपको तीन कैमरास की हाउसिंग दी गई है, साथ ही में एलईडी फ्लैश आपको मिलता है, हाइपर इमेज प्लस की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, नीचे की तरफ रियलमी की ब्रांडिंग मिलती है। फ्रंट में आपको सेंटर पंच होल दिया गया है, कर्व्ड एजेस यहां पर आपको मिलते हैं, पतली सी चिन आपको मिलती है एंड तीन कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो यस, दिखने में स्मार्टफोन काफी सही है, काफी गुड लुकिंग है एंड प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ में आने वाला है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में तो डिस्प्ले में आपको थोड़ा सा लिटिल सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है क्योंकि यहां पर आपको 6.7 इंचेस का कर्व्ड डिस्प्ले दिया जाएगा, तो डिस्प्ले का साइज बड़ा है, साथ ही साथ कर्व्ड डिस्प्ले है तो थोड़ा सा फिसलने वगैरह की समस्या आपको हो सकती है, थोड़े से फॉल्स टच की दिक्कत आ सकती है एंड ऑब्वियसली सिंगल हैंड यूसेज तो डिफिकल्ट रहेगा ही रहेगा। लेकिन 6.7 इंचेस का जो डिस्प्ले है बड़ा डिसअपॉइंटमेंट यहां पर होने वाला है आपको। 6.7 इंचेस के डिस्प्ले में आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलेगा, 1.5 के रेजोल्यूशन यहां पर आपको नहीं दिया जाएगा। स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग डिस्प्ले है भाई साहब क्योंकि इस सेगमेंट में 1.5 के डिस्प्ले मिलते हैं लेकिन इस फोन में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा एंड 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा। 10 बिट का पैनल रहेगा, 1 बिलियन के आसपास आपको कलर्स मिलेंगे, HDR 10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले रहेगा, प्रो XDR सर्टिफाइड डिस्प्ले रहेगा। कंटेंट वॉचिंग में आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी, कंटेंट वॉचिंग में आपको मजा आएगा, साथ ही साथ वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन होने के कारण Amazon Netflix पर आप HD में कंटेंट घिस पाएंगे, तो ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले बढ़िया रहने वाला है। लेकिन अगर 1.5K मिले तो डिस्प्ले बेटर हो सकता है। ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे मोर देन 2000 nits की आपको ब्राइटनेस मिलेगी, तो विजिबिलिटी का तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहने वाला है एंड साथ ही साथ 120 hertz का आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा, तो स्मूथनेस भी आपको भरपूर मिलने वाली है। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा है लेकिन बेटर हो सकता है। बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में तो चिपसेट के बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन तो अभी तक निकल करके नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि या तो आपको लास्ट ईयर वाला ही Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 देखने के लिए मिलेगा या फिर 7S Gen 3 जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है वो चिपसेट आपको देखने को मिल सकता है। दोनों में से कोई सा भी चिपसेट मिले भाई साहब 4 नैनोमीटर की आपको फैब्रिकेशन प्रोसेस मिलेगी, तो एनर्जी एफिशिएंसी आपको बढ़िया मिलेगी, हीटिंग का इशू आपको कम मिलेगा, डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी, मक्खन परफॉर्मेंस आपको मिलेगी एंड डिसेंट गेमिंग भी आप कर पाएंगे, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ LPDDR5 RAM यहां पर आपको मिल सकता है, UFS 3.1 का स्टोरेज मिल सकता है। मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस वाइज फोन जो है वो डिसेंट रहने वाला है। वैसे भी ये जो सीरीज होती है ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीरीज नहीं होती,
होती है, ये सीरीज कैमरा ओरिएंटेड सीरीज होती है। तो बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। तीन कैमरास का सेटअप आपको पीछे की तरफ मिलेगा। प्राइमरी कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल का, जहां पर आपको सोनी IMX701 सेंसर मिलेगा एंड साथ ही साथ OIS का सपोर्ट दिया जाएगा। तो प्राइमरी कैमरा सॉलिड मिलने वाला है। जो दूसरा कैमरा रहेगा वहां पर भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ में, जहां पर आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिलेगा एंड सोनी का LYT 600 सेंसर मिलेगा, मतलब सेकेंडरी सेंसर भी आपको तगड़ा मिलने वाला है। एंड साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा, जहां पर आपको सोनी IMX355 सेंसर मिलेगा। सो ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल आपको काफी तगड़ा मिलने वाला है। रेयर कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। एंड सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जहां पर प्रोबेबली आपको सोनी का IMX615 सेंसर देखने के लिए मिलेगा। एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। अगर सेल्फी कैमरा पर भी 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट दे दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर नहीं भी दिया जाए तो कैमरा सेटअप में आपको कोई बहुत बड़ी कमी देखने को नहीं मिलेगी। कैमरा सेटअप इस फोन के अंदर आपको तगड़ा मिलने वाला है। बात करेंगे बैटरी के बारे में, तो 5050 mAh की बैटरी आपको मिलेगी, 5050 mAh की बैटरी रहेगी, बढ़िया साइज की बैटरी है, 4 नैनोमीटर का चिपसेट, AMOLED का डिस्प्ले, 5050 mAh की बैटरी, बैकअप आपको बढ़िया मिलेगा, साथ ही साथ 80 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा, 80 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। सो बैटरी मॉड्यूल में तो शिकायत नहीं आएगी भाई साहब, बैटरी का साइज अच्छा है, बैकअप भी आपको अच्छा मिल जाएगा, चार्जिंग स्पीड काफी अच्छी मिलती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्जर आपको इनबॉक्स मिलता है, तो बैटरी मॉड्यूल में शिकायत नहीं है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, 3.5mm जैक ऑब्वियसली यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की बात करेंगे, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिलेगा, छोटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर्स आपको मिलेंगे, प्रोबेबली IR ब्लास्टर भी यहां पर आपको मिल सकता है, 50-50 चांसेस है। उसी के साथ में सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एंड्रॉइड 14 पर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन आपको मिलेगा। उसी के साथ में रियलमी UI 5.0 मिलेगा, जहां पर आपको प्री लोडेड एप्लीकेशन काफी सारी मिलती है लेकिन फीचर्स भी आपको बहुत सारे मिलते हैं, तो सॉफ्टवेयर का सेगमेंट जो है वो भी आपका बढ़िया रहने वाला है, वहां भी आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब ऑडियो क्वालिटी भी बढ़िया रहने वाली है। ओवरऑल फोन का मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है, स्पीकर क्वालिटी भी अच्छी आपको मिल जाती है, तो मेरे हिसाब से स्पीकर क्वालिटी में आपको शिकायत नहीं आएगी, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस सॉलिड रहने वाला है। एंड कार्ड स्लॉट की अगर बात करें तो कार्ड स्लॉट यहां पर आपको नहीं दिया जाएगा, 2 SIM आप लगा पाएंगे लेकिन एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बात करेंगे वेरिएंट्स के बारे में, तो 3 वेरिएंट्स में प्रोबेबली या 4 वेरिएंट्स में ये फोन लॉन्च किया जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 8GB+128GB। सो बेस वेरिएंट रहेगा 8+128, साथ ही में 8+256, 12+256 एंड 12+512, 4 वेरिएंट्स में आपको फोन देखने को मिलेगा। प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो वही 25,000 से 30,000 के आसपास ये जो स्मार्टफोन है वो आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। इस फोन का जो प्राइस है कहीं ना कहीं मुझे लगता है रियलमी GT 60 जैसा ही रहने वाला है। वो फोन जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो जाएगा, ये जो फोन है ये थोड़ा सा कैमरा ओरिएंटेड हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि प्राइस पॉइंट समवेयर अराउंड वहीं रहने वाला है, जिस प्राइस पॉइंट पर Realme GT 60 लॉन्च हुआ था उसी प्राइस पॉइंट पर ये भी स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। सो आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई कि आपके क्या विचार इस फोन के बारे में। सबसे पहली बात, आज जो इस फोन का डिजाइन रिवील किया गया है वो आपको कैसा लगा, एंड दूसरी बात, क्या ये स्मार्टफोन आप खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन जरूर से सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।